सत श्री अकाल बच्चों सारयां नूं। जमात छेवीं दा अज असीं दूजा पाठ कर रहे हां, घोटणे दी खीर। ये पुराने समयां दी गल है जदों लोग पैदल ही सफ़र करते सन। मोटर गड्डियां अजे बनिया नहीं सन, उन्नी दिन ही लोग राह जांदे रहियां नूं भी रोटी पानी पुछ लिया करते सन। एक मुसाफिर दूरों पारों नौकरी करते जदों घर वापस परत रहा सी तां एक पिंड विच्चों लंघदिया उसनूं रात पै गई। वह बहुत थक्या होया सी, उन्हूं भुख भी डाढ़ी लगी हुई सी, डाढ़ी का मतलब बहुत ज़्यादा लगी हुई सी। उन्हें एक घर का बूहा जा खड़काया। वे भाई, इस वेले कौन? बूहे अंदरों आवाज़ आई। मैं जी, एक मुसाफिर हाँ ते रात कट्टनी है। घर का बूहा खुल्लिया ते एक माई ने बाहर आके कहा, भाई इनू अपना ही घर समझ ते अंदर लंघ आ। मुसाफिर जो जिस सूत हो के मंजी ते बैठा ही सी बोलिया, माई कुछ खाण नू नहीं मिल सकता, मेरी भुख नाल जान निकलन लगी आ। भुखे नू तां नींद भी नहीं आउणी, खाण नू तां भाई इस वेले घर च कुछ नहीं, आटा कोटा भी मुक्या पिया है, कुछ जाड़िया पकाया भी नहीं, मैं तां आप अज भुखी पाणी सौण लगी सी। माई ने कंजूसी दिखाई। मुसाफिर भी माई दी कंजूसी नू ताड़ गया। अच्छा, जे कुछ नहीं है तां ना सही, मुसाफिर ने आख्या। थोड़े चिर पिछों वह रसोई विच पए घोटने नू वेख के बोलिया, माई जे होर कुछ नहीं तां उस घोटने की खीर ही धर लैंदे आ। घोटने की खीर? वे तू किते चलना तां नहीं? मैं हुणे बना के दसदा, तू बस मैनू पतीला तां दे। माई पतीला ले आई। मुसाफिर ने चुल्हे विच अग वाली, पतीले विच पानी पाया अते अग उत्ते रख दिता। माई कोल खड़ी हैरान हुई, सब वेख रही सी। मुसाफिर ने कुछ गर्म पानी कड़छी च लिया ते उंगल ला के मूँह नू लाया। बस खीर तां तैयार ही समझो, जे भोरक खंड मिल जावे तां। खंड? खंड मैं हुणे लैके आई, माई ने कहा। पतीले च पानी रिझ रहा सी ते माई पतीले च खड़े घोटने नू हैरानी नाल वेख रही सी। मुसाफिर ने खंड पतीले च सुट्टी ते उस नू कड़छी नाल हिलाउण लग पिया। उन्हें फिर कुछ गर्म पानी कड़छी च लिया अते उंगल डुबो के मूँह नू लाई। हुण जे थोड़ा दुध मिल जावे तां बस कमाल ही हो जावे। माई अंदरों दुध दा डोलू भर ले आई ते पतीले च पा दिता। जे किते दो मुठ्ठा चौल मिल जाण तां फिर वेखो की सुआद बणदा, मुसाफिर कड़छी मारदा बोलिया। विच विच ओह घोटने नू वी घुमा दिंदा ते फिर उसे तरह विचकार खड़ा कर दिंदा। मुसाफिर नू पता सी कि माई दा सारा ध्यान घोटने ते लग्या होया है। माई घोटने वल टकटकी लगा के वेखी जा रही सी। आ लै, जिन्ने पाउणे ने पा लै, मुसाफिर चौल पा के उन्हां नू घोटने नाल रलाउण लग्या। वाह, किन्नी सुआदली खीर बणी है, ओह पतीले च घोटना फेरदिया होया बोलिया। बस जरा बदामां दियां गिरियां मिल जाण। माई ने टेढ़ी नज़र नाल मुसाफिर वल वेख्या ते फिर उन्हें अंदरों बदामां दियां गिरियां लिया के पतीले विच सुट दित्तियां। हुण माई दो बाटियां ते दो चमचे ले आ, खीर तां बणी समझ। मुसाफिर ने घोटने समेत पतीला चुल्हे उत्तों ला लिया। माई ने खीर खाधी ते कहण लगी, हैं इन्नी सुआद खीर? मैनू नहीं सी पता घोटने की खीर भी इन्नी सुआदी हो सकती है। पर जे किते खीर च खोपा ते सौगी दे चार दाने भी पै जांदे तां इहदा स्वाद होर भी दूणा हो जांदा। इह कह के माई आप ही अंदरों दोवें चीज़ां ले आई ते खीर च रला दित्तियां। फिर मुसाफिर ते माई दोवें घोटने की खीर खाण लगे अते खुश होए। हुण असीं इस दे कुछ खाली स्थान भरन वाले क्वेश्चन करदे हाँ। मुसाफिर ने एक दा बूहा खड़काया, किस दा? घर दा बूहा खड़काया। मैं तां आप अज भुखी ते पानी सौण लगी हाँ। जदों वह आके उन्हूं पुछदा है कि खाण नूं की है, तां फिर यह माई उन्हूं अगों एवें कहिंदी है कि मैं तां आप अज भुखी पानी सौण लगी हाँ। मुसाफिर बुढ़ी दी कंजूसी नूं ताड़ गया। माई घोटने वल टिकटकी लगा के वेखी जा रही सी। किहदे वल? घोटने वल। मैनू नहीं सी पता कि किस दी खीर भी इन्नी स्वाद हो सकती है। घोटने दी खीर भी इन्नी स्वाद हो सकती है। हेठां लिखे पंजाबी भाषा दे शब्दां दे समानार्थी हिंदी भाषा दे शब्द लिखो। पुराना नूं आपां हिंदी च की कहने आ? पुराना। गड्डियां? गाड़ियां। मंजा? चारपाई। पतीला? इहनूं आपां हिंदी च पतीला ही आख दिंदे हां। कौली? कटोरी। हेठ लिखे गुरमुखी अते देवनागरी विच दित्ते शब्द जोड़ां नूं समझो। तुसीं इह आपे समझणा ही है। घर नूं हिंदी च वी घर कहने आ। भुख? भूख बोलदे आ हिंदी च। समझ? समझ। खीर? खीर। अपना? ते अपना।
तो यह सी अपना अज का लैसन घोटनी की खीर। यदि क्वेश्चन असं अगली वीडियो करा, तो इन्ना काम सोहना सोहना कॉपी नोट करना है। ओके बाय।